अमीर और गरीब बहू की बेटी की दिवाली। आओ आओ, दोनों का गृह प्रवेश हो गया है। अब से ये घर तुम दोनों का हुआ। सबसे ज्यादा अरुषि तेरा, क्योंकि इस घर के खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे सिंक में बर्तन रखने का काम तेरा है। माँ जी, जेठानी की और मेरी एक साथ शादी हुई है, तो हम दोनों मिलकर रसोई संभालेंगे ना। माँ जी इज राइट। अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि मैं कोई भी काम करूंगी। मैं यहाँ इतना दहेज लेकर आई हूँ, नौकरानी की पोस्ट करने नहीं आई हूँ। उसके लिए तुम परफेक्ट हो। मतलब माँ जी, आप मुझे गरीब की नजर से देख रही हैं? अब ताज्जुब मत हो, मेरी बड़ी बहू इस घर का एक काम नहीं करेगी, मतलब एक चम्मच भी नहीं उठाएगी, क्योंकि वो तो अमीर घर से आई है। दहेज में टीवी, एसी, फ्रिज लेकर आई है। तो क्या लाई है? दो जोड़ी कपड़े में अपनी साड़ी सी पोटली लेकर आ गई। बस तूने क्या सोचा, मैं तुझे शहजादी की तरह रखूंगी? बिल्कुल नहीं। माँ ये सब क्या है, आप कैसी बातें कर रही हो? तू बीच में मत बोल। तू चाहता था मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी कराऊं, वो भी गरीब से। मैंने कर दी। अब सास बहू के बीच टांग अड़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं माधव जी, माँ जी ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। घर के काम तो मुझे वैसे भी करने थे, मैं अभी सब कुछ कर दूंगी। पर माँ जी, मुझे ये नहीं पता था कि आपने मुझे अपनाया नहीं है, या मेरी गरीबी से आपको इतनी परेशानी है। देखा माँ जी, इसने तो आते ही घर में उल्टा बोलना शुरू कर दिया। अरे ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। जाओ सब अपने कमरे में आराम करो, और तू आरिशी यहाँ सारा सामान समेट जो फैला हुआ है। फिर गरीब बहू हॉल की सफाई करती है और सब अपने कमरे में सो जाते हैं। वक्त गुजरता है। कमला अपनी छोटी बहू आरुषि के गरीब होने की वजह से उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। घर का सारा काम वही करती है और जेठानी दहेज लाने के कारण आराम से घर में खाती पीती है। एक जगह बैठे बैठे आरुषि उसको सब लाकर देती थी और फिर दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सास ऐसे में भी अपनी अमीर बहू का ही ख्याल रखती है और गरीब बहू से गर्भवती में भी काम करवाती है। उसे पोषण तत्व के लड्डू भी नहीं बनाकर देती है। आठवां महीना चल रहा है, काम करना मुश्किल हो गया है। कम से कम ऐसे में तो जेठानी जी और माँ जी को समझना चाहिए, पर मैं क्या ही उम्मीद करूँ। उन्होंने तो गृह प्रवेश के पहले दिन ही मुझे ऐसे कह दिया था। आरुषि ये लो दूध पी लो, मैं देख रहा हूँ आज मेरी छुट्टी है तो मेरे पास नहीं बैठी और घर का सारा काम कर रही हो। पता नहीं माँ कब समझेंगी तुम्हें। शुक्र है मेरे पास आप तो हैं, मेरा ख्याल रखने वाले, हमारे बच्चे की चिंता करने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं माँ जी मेरी वजह से इस बच्चे को भी प्यार ना करें। ऐसा मत सोचो, माँ भले ही हम दोनों से नाराज हो सकती हैं, लेकिन हमारे बच्चे से थोड़ी। आरुषि के मुश्किल सफर में माधव हमेशा से उसके साथ। वहीं दूसरी ओर कमला करीना को केसर का दूध पिलाती है। अच्छा हुआ माँ जी आप मेरे लिए केसर का दूध ले आई, अभी मैं आपसे यही मंगवाने वाली थी। इस केसर के दूध को पीऊंगी तो मेरा बेटा तंदुरुस्त गोरा चिट्टा होगा। अगर देवरानी के बेटा हो गया तो माँ जी उसे प्यार करेंगी, और ऐसा हो गया तो मेरी जगह छिन जाएगी। इसलिए मुझे हर हाल में बेटा ही चाहिए। किस सोच में पड़ गई बहू, दूध पी ले, ठंडा हो रहा है। जी माँ जी। एक महीने बाद दोनों प्यारी सी बेटी को जन्म देती हैं। पर कमला का व्यवहार अभी भी आरुषि और उसकी बेटी के प्रति वही था। ऐसे ही एक दिन आरुषि रोटी बना रही थी और उसकी बेटी रोने लगती है। माँ जी निकिता रो रही है, जरा आप उसे संभाल लीजिए, मैं खाना बना रही हूँ। क्यों संभालू तेरी बेटी को, मैंने क्या ठेका ले रखा है, सत्संग में जा रही हूँ। फिर करीना को बच्चा संभालने को वो कहती है तो वो खुद अपनी बेटी को नहीं संभालती। अंत में आरुषि ही खाना छोड़कर अपनी और उसकी बेटी को संभालती है, क्योंकि बेटा ना होने की वजह से करीना अपनी बेटी से नफरत करती है। वक्त के साथ आरुषि दो बेटी की माँ बनकर घर को भी संभालती है और करीना को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता था। करीना ने आरोही को बचपन से संभाला ही नहीं था। हाँ, पर कमला आरोही को बहुत प्यार करती थी। एक दिन दोनों कॉलेज से वापस आती हैं, तभी कमला बाहें फैला कर कहती है, अरे अरे मेरी पोती आ गई, मेरी आरोही आ गई, आ जा मेरी लाडो। दादी मैं भी आ गई, मुझे भी गले लगाओ ना। तू तो मुझसे दूर ही रहकर समझ आई, गरीब बहू की गरीब बेटी। तू जा दादी के पास से, दादी सिर्फ मेरी हैं। आरोही और कमला निकिता को गरीबों का ताना देकर भगा देते हैं। वह रोती हुई अपनी माँ के गले लग जाती है।
क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? माँ, दादी हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहती है? जब भी उनके पास जाती हूँ वो मुझे भगा देती है, और मेरी बहन होकर आरोही भी मेरे साथ ऐसा करती है। वो मुझे और आपको गरीब क्यों बोलती है माँ? अरे दादी तो ऐसे प्यार प्यार में कह ही देती हैं, उनकी बात पर गौर मत किया कर इतना। माँ कॉलेज में सब अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, मुझे ये सूट पहनना अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई स्कर्ट टॉप दिला दो जैसे आरोही अच्छे से बन कर जाती है। बेटा तेरे पापा इतना नहीं कमाते जो तुझे अच्छे कपड़े दिलाएं, और ऐसे कपड़े पहनना ठीक भी नहीं होता है। ठीक है माँ, मैं हमेशा सूट सलवार ही पहन कर रहूंगी। अगले हफ्ते दिवाली है, मैं तुझे बेहद सुंदर कपड़े दिलाऊंगी। ठीक है माँ। वहीं दूसरी ओर आरोही अपनी अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर फेंकती है। मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है, और मॉम डैड पैसे देंगे नहीं, दादी से भी कल मांगे थे। कोई बात नहीं, अगर मैं कॉलेज में अच्छे कपड़े नहीं पहन कर गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कपड़े तो मैं मॉल से लेकर ही रहूंगी, चुरा ही लेती हूँ पैसे। फिर दो दिन बाद मौका मिलते ही आरोही करीना की अलमारी से पैसे चुरा लेती है। जब करीना को 20,000 रुपए नहीं मिलते तो वह घर में हल्ला कर देती है, जिससे सब लोग आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? माँ जी चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए अलमारी में पैसे रख कर गई थी, सारे पैसे गायब है, और मुझे पता है ये इस गरीब की बेटी या इस आरुषि ने ही चुराए होंगे। जेठानी जी आप कुछ भी मत बोलिए, हम इतने बुरे नहीं है कि पैसों के लिए गिर जाएंगे और अपने घर में चोरी करेंगे, ना मैंने किया है ना ही मेरी बेटी ने। पर मुझे तो लगता है इस निकिता ने ही पैसे चुराए हैं। नहीं माँ, नहीं दादी, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। ताऊ जी सच में मैंने पैसे नहीं चुराए, पापा आप तो मेरी बात का विश्वास। मैं जानता हूँ तूने नहीं चुराए बेटा। पता है किसने चुराए हैं पैसे? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। ये कहकर अशोक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसकी बेटी नोटों की गड्डी चुराती है। ये देखकर घर के सभी लोग हैरान थे। तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी हिमा के पैसे चुराए और अपनी बहन पर इल्जाम डाल दिया? क्या हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं? बोलो। हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, कभी उन्हें मेरी फिक्र नहीं हुई, इसलिए वो मुझे पैसे भी नहीं देती है, बस हमेशा गुस्सा करती रहती है। कॉलेज में मुझे नए कपड़े पहने थे इसलिए मैंने चोरी की, और मुझे निकिता बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए मैंने इल्जाम उस पर डाल दिया। आपको भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, बस अपने काम में बिजी रहते हो। किसी की इतनी गंदी माँ होती है क्या? इससे अच्छा तो चाची है जो निकिता का ख्याल रखती है। आरोही बदतमीज, भला अपनी माँ के बारे में कोई ऐसा कहता है क्या? दीदी भला उसकी क्या गलती, आपने जो किया है उसके साथ उसके बाद तो उसे चोरी करके यही कहना था। बेटी को अपना समझकर प्यार करती तो आज आरोही ऐसी नहीं होती। दिवाली के मौके पर घर में कैसी लड़ाई छाई है, मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, हम प्यार से एक साथ दिवाली का त्योहार बनाएं। ये सुनकर करीना और आरोही को अपनी गलती का एहसास होता है, और करीना अपनी बेटी से माफी मांग कर उसे गले लगा लेती है। माफ कर दे, मैं तुझे माँ का प्यार नहीं दे पाई, लेकिन अब तुझे बहुत प्यार करूंगी, और निकिता तुझे भी। आ जा आरुषि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, हमेशा अपने घमंड में रही। हाँ बहू मुझे भी माफ कर दे, अब हम सब प्यार से रहेंगे। सबने सॉरी बोल दिया निकिता, मैं अभी तुझे सॉरी बोल रही हूँ, अब हम दोनों बहन भी प्यार से रहेंगी। हाँ मेरी बहन। इस तरह कमला करीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और कमला अपनी दोनों पोती को गले लगा लेती है। फिर दिवाली पर सब एक साथ घर की सजावट करते हैं, और एक साथ माता लक्ष्मी की पूजा करके खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं और मिठाई खाते हैं। अरे दोस्तों देखो, मेरी मम्मी ने खास दिवाली के लिए मुझे ये गिफ्ट दिया है, अभी तो मेरे और भी गिफ्ट आएंगे। ये देखो मेरी नई साइकिल, अच्छी है ना? यार तेरी साइकिल बहुत अच्छी है, क्या हम भी इस पर बैठ सकते हैं? वैसे तो मैं किसी को नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें एक बार जुला सकता हूँ। अरे वाह किल, मुझे तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी लगी, मुझे भी एक बार बैठनी दे, मैंने आज से पहले कभी साइकिल नहीं चलाई। तूने आज से पहले चलाई नहीं और मेरी साइकिल पर बैठकर गिरा दी तो मेरी तो नई साइकिल खराब हो जाएगी ना, और तू इतनी गरीब है कि इसको ठीक भी नहीं करवा पाएगी। नहीं मैं तुझे अपनी साइकिल नहीं दूंगा। अखिल मुझे एक बार चलाने दे, मैं तेरी साइकिल नहीं तोड़ूंगी। तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? चली जा यहाँ से। अखिल जूही को धक्का दे देता है, जिससे रोकर जूही घर चली जाती है, और उसकी माँ आस्था कहती है, अरे बेटा तुझे इतनी चोट कैसे लग गई, देख पैर में लग गई।
माँ खेल लेना, वो नई साइकिल लेकर आया और बहुत चिढ़ा रहा था। मैंने उससे प्यार से बोला कि मुझे भी एक बार साइकिल चलाने दे, तो उसने मुझे धक्का मार दिया और मेरे लग गई। माँ दिवाली आ रही है, मुझे भी गिफ्ट चाहिए, मुझे भी साइकिल और नए कपड़े चाहिए, मुझे दिलाओगी ना माँ, और पटाखे भी। जो ही बेटी वो उसकी साइकिल है ना, तू जाती ही क्यों है उन बच्चों के पास खेलने? अगर सच में टूट जाती तो हम पैसे नहीं दे पाते। तू जानती है ना पिताजी का काम कैसे चल रहा है, कल धनतेरस है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ जी, कल के दिन कुछ ना कुछ हमें खरीदना होता है और कल सोना चांदी नया सामान चाहिए, पर हमारी तो कुछ नया सामान खरीदने की हैसियत ही नहीं है। बहू तो परेशान मत हो, देखते हैं कल क्या हो सकता है। बहू मेरे पास 200 रुपए पड़े हैं, तो उसका स्टील का बर्तन खरीद लेना शगुन हो जाएगा। नहीं बापूजी, मैं आपके दवाई के पैसे कैसे ले सकती हूँ, आपको मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कुछ और इंतजाम करूंगी बापूजी। क्या पता आज दीपक जी कुछ पैसे ले आए। तभी दीपक हताश होकर बैठ जाता है। अजी आप आ गए, ये लीजिए पानी। अच्छा आज आपने कोई मजदूरी की, कुछ पैसे मिले क्या? आप जानते हैं कल धनतेरस है और अगले दिन दिवाली के लिए भी घी तेल दिए पूजा का सामान और जूही भी पटाखे मांगेगी। अरे भाग्यवान, अभी बस में आकर बैठा हूँ और तुमने घर की सारी जरूरतों का बोझ मुझे बता दिया। मैं जानता हूँ घर में त्योहार है, जूही को भी पटाखे चाहिए। इतना ही नहीं, सब पकवान खाने का भी शौक रखते हैं, पर मेरे मालिक ने आज सबको छुट्टी दे दी, कोई काम नहीं करवाया। उसी के लिए मैं भटकता रहा पूरे दिन। अब दिवाली के 2 दिन पहले न तो कोई काम देगा ना ही उधार पैसे। हम गरीबों के साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है। बेटा क्या पता लक्ष्मी माता हमारा इम्तिहान ले रही हो। हाँ बेटा, तू ज्यादा परेशान मत हो, क्या पता कल तक कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए, तू हार मत मानियो। हाँ मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी, आइए मैं खाना लगा देती हूँ, फिर सब साथ बैठ कर खाना खाते हैं। दरअसल गायत्री का परिवार कुछ महीनों से गरीबी से गुजर रहा था। बेटे का काम ठीक से चल नहीं रहा था, कुछ वक्त से वह सूखी रोटी खा रहे थे, इसलिए बेहतरीन दिवाली मनाने की आशा लिए बैठे थे। अगले दिन धनतेरस की सुबह आस्था अपने घर की बाहर सफाई कर रही थी, तभी अमीर पड़ोसन बिपाशा कहती है, ओहो तो सफाई चल रही है आस्था। मेरे नौकरों ने तो कल ही सफाई कर दी थी और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो चली रही है, अगर तुम पर टाइम है तो तुम आकर कर सकती हो। नहीं बिपाशा बहन, मुझे अपने घर पर और भी काम है तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा वैसे तुम दिवाली पर अपने लिए सोने का हार, नई साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, तोहफे, मिठाई, पटाखे लाई हो क्या? आज शाम को मैं सब ले आऊंगी, और अभी हमारे घर पर एक नई कार आने वाली है, आज धनतेरस है ना, मेरे पति अभी आते ही होंगे। अरे लो आ गए। तभी बिपाशा का पति गौरव ब्रांड न्यू कार लेकर अपने बंगले के आगे खड़ी करता है। फिर उसके घर वाले आकर देखते हैं, अखिल गाड़ी में बैठ जाता है और गरीब आस्था के घर वाले भी देखते रहते हैं। अरे मोरी मैया, कितनी बड़ी गाड़ी है ये। ये पापा नई गाड़ी लाए, पापा नई गाड़ी लाए, पीपे 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 पीपे। अच्छी है ना मेरी कार बेटा। बिपाशा पूजा कर दो, तो मेरे घर की लक्ष्मी जो हो, उसके बाद हम सब एक राइड लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल गौरव, देख रही हो ना आस्था, माता जी देखिए मेरे पति 40 लाख की नई कार लाए हैं और इसमें हमारा पूरा परिवार बैठ सकता है। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है ही, तुम गरीब लोगों ने कभी इतनी बड़ी कार देखी भी नहीं होगी, आंखें ही सेक लो। मोहिनी किसी की गरीब पर ऐसे हंसते नहीं है, शायद आज हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम ऐसे कर रही हो, पर अगर हम पर पैसे होते तब भी हम ऐसे तुम्हें नीचा नहीं दिखाते, और भगवान की दुआ से हमारी तो दिवाली अच्छी मन जाएगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम जो कर रही हो वो पैसे का दिखावा है। हाँ कम से कम दिखावा तो कर रही हूँ, क्योंकि पैसे हैं, तुम तो वो भी नहीं कर सकती। बहू पूजा कर दे, तिलक लगा दे। सास की बात सुनकर बिपाशा अपनी नई कार की पूजा कर देती है, जिसके बाद अमीर परिवार उस कार में घूम कर आता है। ये देख जूही और गायत्री का मन विचलित हो जाता है। वहीं एक तरफ दीपक काम के चक्कर में भटक कर फिर वापस आ जाता है। और शाम को धनतेरस पूजा करने के लिए आस्था 50 रुपए का चम्मच कटोरी पूजा में रख कर धनतेरस की पूजा कर लेती है।
बेचारी आस्था इतनी गरीब होती है कि आटे के दिए बनाकर ही चौखट पर दिया रख देती है। अगले दिन दिवाली का दिन था, घर में कोई पैसे नहीं थे, तभी बिपाशा आकर कहती है, अरे आस्था देखो धूल मिट्टी का काम तो मेरे बस की बात है नहीं और मेरे सारे नौकर चले गए। दरअसल स्टोर रूम की सफाई रह गई थी, वहां बहुत फालतू का भंगार पड़ा है, आंगन भी साफ नहीं है, तो तुम सफाई कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। करोगी या मैं किसी और को बुलाऊं? वैसे भी तुम गरीब हो। मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, अगर मुझे ये काम करके थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी बेटी के लिए शाम को पटाखे और मिठाई ले आऊंगी। बिपाशा मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर बिपाशा उसके स्टोर रूम और आंगन की सफाई करने को आस्था को कहती है। उसका बेटा फुटबॉल से आंगन में खेल रहा था कि अखिल को आंगन में लगी लाइट से करंट लग जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अपने बच्चों की आवाज सुनकर बिपाशा भागती हुई आती है। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? कोई आओ। गौरव, माँ जी, आस्था, देखो ना मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गया है। अखिल बेटा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, हमें तुरंत इसके हाथ पैर सहलाने होंगे, हम इंतजार नहीं कर सकते हॉस्पिटल ले जाने का। बिपाशा बहन तुम एक कंबल लेकर आओ। हाँ हाँ। आस्था सोफे पर बच्चे को ले जाकर लेटा देती है, उसके हाथ पांव को सहलाती रहती है, फिर कंबल से बच्चे को ढक देती है। इतने में बच्चे का गिरा हुआ शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है और डॉक्टर आकर बच्चे की जांच करता है। चिंता मत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो तो शुगर है, इन्होंने तुरंत करंट लगने के बाद ही उपचार कर दिया, वरना शरीर नीला पड़ जाता। आस्था तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरी जान बचाई है, वरना मैं तो इसके बगैर जी नहीं पाती। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करती रही, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आ गया कि अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, और मैं अपने अमीर घमंड के चलते तुम्हें बार बार जलील करती रही, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे बिपाशा ऐसे रो नहीं, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के बराबर ही है, मेरे बच्चे जैसा है, मैं उसे कुछ कैसे होने दे सकती हूँ। हाँ तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सब चीज अमीर और गरीब से परे होती है। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है, इसीलिए ये दिवाली का उपहार हमारी तरफ से, कृपा करके इसे मना मत कीजिएगा। ये कुछ बम पटाखे, तोहफे और ये 30,000 रुपए हैं। ये तो बहुत ज्यादा हैं। कुछ नहीं है, ये रख लो, हैप्पी दिवाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम एक साथ लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह गरीब आस्था की अच्छाई उसके काम आती है, बिपाशा और आस्था के बीच से अमीर और गरीब की दीवार हट जाती है। वहीं लिए हुए तोहफे आस्था अपने परिवार वालों को देती है, फिर अमीर और गरीब परिवार एक साथ लक्ष्मी पूजा करके बम पटाखे जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।